मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक बहुत खराब शब्द है सर, सर, सर। ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहां। मैं कार्यालयों में जाता हूं तो एक ही शब्द सुनता हूं, यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, सर, सर। मालूम है सर क्या है? ये जो एस आई आर सर शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, मूलतः अंग्रेजी का है, और ये शब्द आया है पदवी से। एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहां आचार्य जी है ना, वो एक पदवी है ना, वैसे ही सर एक पदवी है। लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ये पदवी क्या है वो जान लो। यूरोप में, पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है। अंग्रेजी में मूल रूप से आया, फिर दूसरी भाषाओं में गया। पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है, हजारों साल तक रही है। तो होता क्या है यूरोप में, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है, उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है। गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है। महिलाओं को गुलाम बना के रख सके, पुरुषों को गुलाम बना के रख सके। गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने। उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर। जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। कारण क्या है? यहां सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। चींटी भी आपकी गुलाम नहीं है, मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है, वो भी स्वतंत्र जीव है, आप भी स्वतंत्र जीव है। भगवान उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। तो हम तो चींटी मक्खी मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते, आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात, इस देश में संभव नहीं। तो यहां गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहां गुलामी के अलावा दूसरी कोई परंपरा नहीं हो सकती। तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए। हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग ना करें। आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से। और अगर किसी अननोन अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना, कितना सुंदर शब्द है श्रीमान। श्रीमान कहिए, श्रीमान कहिए, महाशय कहिए, महोदय कहिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, हिंदी का, संस्कृत का, शब्दों की कोई कमी नहीं। और अपने शब्दों में दम कितना है। थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना, और भारत का एक शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि। लक्ष्मी और बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती, वो मैडम नहीं है। मैडम अलग है, श्रीमती अलग है। हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना, मैडम का श्रीमती कर दिया, सर का श्रीमान कर दिया, ये बड़ा खतरनाक खेल है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।